जनपद संभल के चंदोसी संयुक्त चिकित्सालय का सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण, एक डॉक्टर मिली अनुपस्थित। जनपद संभल के चंदोसी में आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमिता सिंह ने संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ ने संयुक्त चिकित्सालय के सभी बाड़ों, स्टोर रूम, डिलीवरी रूम, रजिस्ट्रेशन काउंटर और लैब का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उपस्थिति रजिस्टर को चेक किया, जिसमें एक डॉक्टर नेत्र सर्जन शिवा मकसूद अनुपस्थित मिली और दो कर्मचारी अवकाश पर मिले। वहीं नेत्र सर्जन द्वारा ओटी की सुविधा नहीं होने के सवाल पर सीएमओ ने कहा कि यदि ओटी नहीं होगी तो क्या वे ओपीडी भी नहीं करेंगी, उन्हें ओपीडी जरूर करनी चाहिए। चंदोसी, आप स्वास्थ्य विभाग में आई हैं और आपने निरीक्षण किया है, इसमें क्या कहेंगी? इस समय मैंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। सबसे पहले मैंने उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया, जिसमें दो लोग अनुपस्थित पाए गए हैं। कौन है वो दो लोग? डॉक्टर शिवा मकसूद एब्सेंट पाई गई है, और मालूम करने पे पता चला कि जो दूसरे व्यक्ति हैं मिस्टर सचिन कुमार, वो ARB लेने गए हुए थे लेकिन मेरे सामने ही आ गए, और बाकी दो लोग अवकाश पे थे, बाकी समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। और रजिस्ट्रेशन काउंटर देखा मैंने, लैब देखी, इमरजेंसी वार्ड देखा जिसमें एक मरीज भर्ती था, और मैंने ऑप्टोमेट्रिस्ट का रूम देखा जिसमें कि 50 नेत्र मरीजों का परीक्षण किया जा चुका था, नए का और पुरानों का भी लगभग उसमें 12 का परीक्षण किया जा चुका था, और ARB आ गया था अभी तो वो ARB लगना शुरू हो गया है। बाकी OPD में डॉक्टर दिग्विजय और डॉक्टर योगेश मरीजों का परीक्षण कर रहे हैं, और डॉक्टर संतोष इस समय मेरे साथ निरीक्षण करा रहे थे।